दोस्तों कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी का डेट पोस्टपोन हो चुका है। आपको तो पता होगा ये मूवी इसी महीने में यानी कि सितंबर महीने में ही 2024 में आने वाली थी। पहले तो जुलाई में ही आने वाली थी या अगस्त में आने वाली थी, लेकिन नहीं आई क्योंकि चुनाव प्रचार हो रही थी और खुद जो ये कंगना रनौत है वो बीजेपी से के टिकट से चुनाव लड़ रही थी मंडी से। आपको पता होगा उनका मतलब कर्मभूमि जो था वहां से, तो इसी के चलते उनका मूवी रिलीज नहीं हुआ। जुलाई जून में होने वाला था रिलीज जबकि हुआ नहीं चुनाव के चलते। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस मूवी का डेट पोस्टपोन इसलिए हुआ है क्योंकि इस मूवी के लिए लेकर विवाद बढ़ चुके हैं। आपको मैंने जैसा कि बोला था इस मूवी का ट्रेलर पर रिव्यू किया था कि बहुत जो पॉलिटिक्स एंगल है वो आएगा क्योंकि वो मूवी जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और खास करके कांग्रेस इस पर सवाल जरूर उठाएगी। थूका कसी मतलब ये सब होगी कि बीजेपी वाले ने इनके खिलाफ साजिश रचा है, ये कुछ ये होगा, लेकिन वैसा ही हुआ और इस मूवी को पोस्टपोन होना पड़ा है। लेकिन ये क्या वजह है ये भी हम जानेंगे। तो दोस्तों ये बोला जा रहा है कि जो 19 सितंबर को ये इसका अगला जो मतलब सेंसर बोर्ड का डेट मिला है कि 19 सितंबर को ये मूवी फिर से सेंसर बोर्ड में एक बार जाएगी। ये पहले एक बार सेंसर बोर्ड में ये मूवी गई थी तो बोला जा रहा था कि कुछ सीन काटना पड़ेगा और इसमें जो जो डिस्क्लेमर है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ये मूवी को 19 सितंबर को फिर दिखाना पड़ेगा। और बोला जा रहा है कि 19 सितंबर को ये मूवी जब जाएगी फिर से एक बार चेक होने के लिए सेंसर बोर्ड में, तो यूएस सर्टिफिकेशन के बाद ये मूवी रिलीज होगी। लेकिन अभी रिलीज का टाइम नहीं बताया गया कि कब रिलीज होगी, लेकिन हाँ ये जरूर बताया गया है कि ये मूवी का डेट पोस्टपोन हो चुका है। अब ये सितंबर महीने में नहीं आएगी, सितंबर या हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में, अभी नहीं आएगी मूवी ये बोला जा रहा है क्योंकि अभी सर्टिफिकेशन ही नहीं मिला है, कुछ सीन भी काटना है 19 सितंबर को। देखते हैं क्या होता है, जैसे ही अपडेट देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं ये जो मूवी है इंदिरा गांधी के काले करतूत पे आधारित है। काला करतूत मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इमरजेंसी के दौरान में बहुत से जो नेताओं थे उनका जीवन को बर्बाद कर दिया गया, करियर को बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे जो विपक्ष के नेता थे उनको जेल में बंद करवा दिया गया। खुद राजनाथ सिंह एक ब्रॉडकास्ट में गए हुए थे, उन्होंने बोला कि इमरजेंसी के दौरान उनकी जो माता थी जो बीमार थी, उनकी माता बीमार थी हॉस्पिटल में, वो मिलने तक नहीं जाने दिए गए ये इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि वहाँ जो कांग्रेस का सरकार था और वो विपक्ष पार्टी के थे बीजेपी के, तो कांग्रेस और बीजेपी में उसे भी टकराव था, तो इसीलिए उनको जेल से छुट्टी नहीं मिला। मतलब पैरोल पे भी रिहा नहीं किया गया कि वो अपनी माँ को जाकर मिल सके, और उनकी माँ भी मर गई फिर भी वो नहीं जा पाए। तो ये हुआ था उन समय के दौर में। आज देखिए अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए जेल से बाहर निकल आता है, तो ये कोई नहीं बोलेगा। तो ये एक मुद्दा है जो मैंने बताया, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी पॉलिटिक्स पे है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसका जो काला चिट्ठा इंदिरा गांधी का, आपको मैं बता दूँ 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा था और 21 मार्च 1977 तक ये इमरजेंसी रहा था। करीब करीब बताया जाता है कि 21 मंथ यानी कि 21 महीने तक इस इमरजेंसी का प्रकोप रहा, इमरजेंसी रहा 21 महीने तक। और ये आर्टिकल 352 के तहत ये इमरजेंसी लगाया गया और आपातकाल जिसे हम कहते हैं अभी के टाइम में, तो ये 352 आर्टिकल 352 के आधार पे ये जो इमरजेंसी वो लगाया गया। तो संविधान का दुरुपयोग करना कांग्रेस का पुराना आदत है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान बना कर गए थे उनका दुरुपयोग इन लोगों ही ने किया है, कांग्रेस वालों ने ही, तो ये आपको तो पता होगा ही जो पहले के लोग होंगे। लेकिन ये जो इमरजेंसी है इसके ऊपर ये मूवी आधारित है। और क्या इंदिरा गांधी इमरजेंसी अपने फायदे के लिए लगाई थी, क्योंकि उनका जो कुर्सी है वो जा रहा था तो इसलिए ये इमरजेंसी लगा था। और मैंने जब ट्रेलर का रिव्यू किया तभी बताया कि इमरजेंसी क्या है कैसे नहीं है, तो वाला जी वीडियो आप जरूर देख सकते जाकर, ज़्यादा आपको इमरजेंसी के बारे में जानना डिटेल में है। तो दोस्तों ये कुछ था इंदिरा गांधी का, और कितने ही लोगों को वो पकड़ कर बूढ़े बच्चे जवान सभी का नसबंदी करा दी। नसबंदी का मतलब आप समझते ही होंगे, नहीं समझते तो गूगल करके जाकर देख लीजिए। ये प्लेटफॉर्म पर मैं ये बात नहीं कह सकता हूँ, आपको भी पता होगा। तो दोस्तों ये कुछ था कंगना रनौत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी से रिलेटेड। अभी इमरजेंसी नहीं आने वाली है, पोस्टपोन हो चुकी है, देखते हैं कि अगली डेट क्या आती है। अभी जैसे ही अगली डेट का रिवील होता है तो मैं आपके साथ जरूर अपडेट दूंगा कि अगला डेट क्या आने वाला है। आज के लिए मिले किसी साथ, जय वंदे मातरम, जय श्री राम।